प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया जाएगा। जनजातीय समुदायों की ओर से उपजाए जाने वाले श्री अन्न इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होगा। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनजातीय आबादी के कल्याण के लिए लगातार कई तरह के कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वे देश की उन्नति और विकास में जनजातीय समुदाय के योगदान को उचित सम्मान भी देते रहे हैं। आदि महोत्सव भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड की वार्षिक पहल है ये। इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल के माध्यम से देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा इससे। ये ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारी दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह से। जी ज्योति, बताएं, आज पीएम पहुंच रहे हैं आदि महोत्सव के उद्घाटन के लिए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल राखी, देखिए पीएमओ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के प्रयास के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और देखिए इस प्रोग्राम के बारे में बात करें हम तो 16 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का ये मौका होगा। और खास बात इसकी ये रहेगी कि जो 11 दिवसीय मेला है, इस मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं 13 राज्यों के जो आदिवासी रसोई हैं वो मिलेट्स में रागी का तड़का लगाएंगे, और जिसमें रागी हलवा होगा, कोदो की खीर होगी, मांडिया सूप, रागी बड़ा, बाजरा की रोटी, बाजरा का चूरमा, मडुआ की रोटी और कई सारे ऐसे व्यंजन होंगे जिनका जायका लिया जा सकेगा। और वही देखिए श्री अन्न पर भी इस कार्यक्रम में फोकस रहेगा, क्योंकि आदिवासी संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, व्यापार, पारंपरिक जो कलाएं हैं और उन कलाओं का कलाओं की जो भावना है उनका जश्न मनाने के लिए इस आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी है उसका एक लिमिटेड एक वार्षिक पहल की जा रही है इसकी। और कार्यक्रम स्थल पर अगर हम बात करें तो देखिए 200 से अधिक स्टॉलों पर देश भर के जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। और इस साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और ऐसे में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण जैसे कई सामान्य जो होंगे वो आकर्षकों के साथ साथ महोत्सव में एक खास ध्यान आदिवासियों द्वारा उगाए गए जो श्री अन्न है उस पर फोकस किया जाएगा। और देखिए ये काफी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रोग्राम है वो होने जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि इसमें कई सारे व्यंजन जो है जिसका जायका लिया जा सकेगा और कई सारे आदिवासी रसोइये जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में आज जब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कई राज्यों से रसोइये आ रहे हैं, खासतौर से बात करें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जायके का इस कार्यक्रम में लुत्फ उठाने का मिलेगा। राखी जी ज्योति, मिलेट की आपने बात की है तो ये ईयर 2023 भी मिलेट ईयर घोषित किया गया है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं जो शेफ हैं वो मिलेट के ऊपर वहां पे व्यंजन बनाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जनजातीय लोगों के लिए भी और लोग भी ये स्वाद चख पाएंगे, इसके बारे में और क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस साल की अगर हम बात करें तो देखिए न सिर्फ संसद ने मिलेट देखा दिया बल्कि हर केंद्रीय मंत्री के जब घर पर भोजन रखा गया तो वहां पर भी मिलेट्स को शामिल किया गया। और खुद देखिए केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल को कहते हुए दिखाई दिए इस साल पर कि मिलेट्स का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और मिलेट्स भोजन को करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए जब ये आदिवासी आयोजन होने जा रहा है तो इस आयोजन में भी, इस महोत्सव में भी देखिए आदिवासी शिल्प संस्कृति तो देखने को मिलेगी, साथ साथ व्यंजनों में मिलेट्स को शामिल किया जा रहा है। और देखिए कई राज्यों से
जब रसोइये इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, आयोजन में पहुंच रहे हैं, तो इस आयोजन में देखिए कई राज्यों का जो व्यंजन है वो तो चखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेट्स में अलग अलग जगहों पर तड़का भी देखने को मिलेगा। और देखिए ये सेहत के मुताबिक अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन इस आयोजन में जब मिलेट्स देखने को मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के व्यंजन देखने को मिलेंगे, तो देखिए तड़कों के साथ साथ एक जो हमारे देश की जो खूबसूरती है, संस्कृति के साथ साथ व्यंजनों के साथ साथ उभर कर इस प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आएगी। राखी जी ज्योति, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।